जो पॉलिसी हम यहां पर देख रहे थे, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए, लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए, लुक वेस्ट पॉलिसी है, कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया के माध्यम से हम वहां पर कहां पहुंचना चाह रहे थे, यूरेशिया में, यूरेशिया में रशिया के साथ अपने संबंधों को विकसित करेंगे, साथ ही हम यहां पर अरब प्रायद्वीप के साथ अपने संबंधों को विकसित करेंगे, यूरेशिया के साथ यूरोप में जाएंगे, यूरोपीय देशों के साथ संबंध विकसित करेंगे, अरब देशों पर वहां पर सॉरी अरब प्रायद्वीप पर वहां पर सॉरी अरब जो सागर है वहां पर आपका धीरे धीरे भी आपका प्रभुत्व वहां पर बन सकता है। तो ये जो पॉलिसी लेकर आए, आर्थिक तौर पर आपको बेहतर करना और जो अपने संबंध हैं, संबंधों को विस्तार दिया, पूरा ईस्ट को कवर कर रहे हैं, वेस्ट को कवर कर रहे हैं और सेंट्रल को भी यहाँ पर ये कवर करते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और चीज वहां पर आगे चल के प्रारंभ की, भारत आशियान। भारत आशियान शिखर सम्मेलन के माध्यम से जो बचा खुचा रह जाते हैं, जो दक्षिण एशिया कंट्रीज रहते हैं, ये उनको भी काउंटर करते हैं, उनके साथ भी अपने संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें, सेंट्रल आपका ऊपर हो गया, मध्य से साउथ में आपका नॉर्थ की साइड ही आते हैं, ईस्ट वेस्ट और साउथ सभी देशों के साथ एक बड़े स्तर पर वैदेशिक संबंधों को भारत ने जो प्रारंभ किया, जो विस्तार दिया है वो 1990 के दौर में, दूसरा प्लानिंग के साथ दिया है। यहाँ पर पहली बार दिखाई देती है कि भारत ने यहाँ पर वेल प्लान्ड किया था, पूरी एक पॉलिसी लेकर आए और किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं वहां पर पूरी तरीके से ये स्पष्ट आपको वहां पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये तो भारत ने यहाँ पर सुधार किया अपने वैदेशिक संबंधों के तहत, कई सारी पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये तो आपके आसपास के हो गए। अब भारत ने, हमने एक स्टार्ट किया था कि भारत ने सार का गठन भी किया था। क्या भारत अपने पड़ोस को भूल गया इस विदेश नीति में? नहीं, उसके लिए लेकर आते हैं गुजरात सिद्धांत। गुजरात सिद्धांत के तहत जहां पर उन्होंने कहा एक बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन करेगा कौन? भारत। बड़ा भाई क्यों? क्योंकि भौगोलिक तौर पर आप सबसे बड़े हैं, अपने जितने भी आपके पड़ोसी देश लगते हैं उनमें सबसे बड़े हैं, भौगोलिक तौर पर बड़े हैं, संसाधन के तौर पर बड़े हैं, संसाधन चाहे वो प्राकृतिक हो, आर्थिक हो या मानव हो, आप हर तरीके से अन्य देशों के मुकाबले आपके पास संसाधन बेहतर है, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी आप अन्य देशों के मुकाबले आगे हैं, बेहतर है, और जब हर चीज़ में अगर आप बेहतर हैं तो आप एक लीडर के तौर पर यहाँ पर किसी भी के साथ, हमने शुरू में पढ़ा था म्यूचुअल इंटरेस्ट, इस सिद्धांत में म्यूचुअल इंटरेस्ट को दरकिनार किया गया था। यहां पर उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई की जब भूमिका निभाएंगे तो वहां पे म्यूचुअल इंटरेस्ट मत देखिए, आप वहां पर क्या देखिए, भविष्य को आधार बनाकर फिलहाल अभी आपने छोटे भाइयों के साथ क्या करें, छोटे भाइयों को जितना हो सकता है उतनी उनकी हेल्प कीजिए। ये एक तरीके से देखिए इकोनॉमी, अगर हम देखें इकोनॉमी के संदर्भ से, अगर आप समझिए इकोनॉमी में क्या होता है, शुरुआत में आप पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं, वो आपको तुरंत रिटर्न नहीं देता है, रिटर्न के एफडी कराते हैं, एफडी में आप पैसा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, जब उसकी समयावधि पूरी होती तब आपको पूरा उसका रिटर्न एक साथ मिलता है। ठीक इसमें वैसा ही था, गुजरात सिद्धांत में कहा जा रहा था कि गुजरात कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी देशों को जितना हो सके फिलहाल आप हेल्प करिए, और जब ये देश बेहतर होते जाएंगे आर्थिक तौर पर भी, संसाधन के तौर पर भी, सैन्य तौर पर भी, तो ये आगे चलकर आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे, आपके लिए बड़ा मार्केट क्रिएट करेंगे, आप अपने जो भी उत्पादन करेंगे वो यहाँ पर बड़े मात्रा पे खपत भी कर सकते हैं, जो आप आत्मनिर्भर भारत या कुछ भी उत्पाद करते हैं तो आपको दूसरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं मार्केट्स में जाकर उन्हें सेल कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग, हर चीज़ का जो विस्तार करना है वो आप इन क्षेत्रों में कर सकते हो, सैन्य रक्षा साजो सामान विकसित कर सकते हो और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो और इन लोगों का भरोसा भी यहाँ पर जीत सकते हो। और इसलिए इस सिद्धांत को विदेश नीति में बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई वो भविष्य के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, और ये चीज़ें गुजरात सिद्धांत में यहाँ पर पड़ोस के संदर्भ में भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो ये जो दौर था अपनी विदेश नीति का, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दौर था ये 1990 में, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो पॉलिसी होती है वो बदल के रख जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं, और एक घटना जो कि कह सकते हैं कि परिवर्तनकारी निकल कर आती है, ये अच्छी चीज़ निकल कर आई। लेकिन भारत ने एक चीज़ यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, 1998 का समय आता है, सब सही चल रहा था और भारत और अमेरिका के संबंध भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना उसने शुरू कर दिया था, एक मान्यता उसको धीरे धीरे मिलने लगी थी, निवेश इत्यादि भारत में आना शुरू हो गए थे एलपीजी रिफॉर्म के बाद। लेकिन एक घटना होती है और उसके बाद से पूरी विदेश नीति एक बार फिर से कायापलट होती है।
ये 1998 का दौर था और जहां पर भारत के द्वारा एक पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है, और ये एक ऐसी घटना थी जिसके कहीं ना कहीं कि अमेरिका को भनक तक नहीं पड़ती है, और जब तक पड़ती है तब तक बहुत भार परीक्षण कर चुका होगा। मूवी देखी होगी आपने, पोखरण देखी है, परमाणु पोखरण को लेकर बनाई गई एक मूवी है। और परमाणु में क्या दिखाया गया कि वहां पर जो सारी घटनाक्रम थे, किस तरीके से छिपा मुदा कर, किस तरीके से सैटेलाइट से बचा कर, किस तरीके से हमने वहां पर परीक्षण किए थे, और यहां पर यही होता है। यहां पर जब भारत परमाणु परीक्षण करता है, और एक परमाणु परीक्षण नहीं करता है, कितने करता है, एक साथ कितने करता है, तीन परमाणु परीक्षण करता है। और यहां पर जब यह घटनाक्रम होती है उसके साथ ही भारत अपने आप को स्थापित कर देता है कि भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। क्योंकि इससे पहले हमने 1974 में किया जरूर था, लेकिन उसके बाद हमने इसके बारे में कोई किसी प्रकार की क्रियाविधियां स्थापित आगे नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय भी आपको पता है 1973 में भी आपका अरब इसराइल संकट उत्पन्न हो गया था, तेल संकट, भारत आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश कर गया था, और भारत के पास भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस की सरकार भी चली जाती है, नई सरकार आती है, और उसके बाद सारी चीजें बदलती चली जाती हैं। तो भारत यहां पर एक बार फिर से इसको लेकर आता है, परमाणु परीक्षण का दौर आता है, भारत पर लग जाते हैं आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका क्या करता है, यही करता है कि जैसे ही उसके बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो वो क्या करता है, प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है। ईरान ने किया है अभी हाल फिलहाल, उस पर लगाया हुआ है, उत्तर कोरिया ने कर रखा है, उस पर वहां पे उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये प्रतिबंध लगाते हैं, और इस प्रतिबंध लगाने के कारण यहां पर भारत पर कुछ समय तक ये चीजें प्रतिबंधात्मक रही, चलती रही, कोई इशू नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन, चीज़ें फिर से बदलीं, और भारत को लेकर चीन का एक उभार भी यहाँ पर एक कारण बनता है, जिसके कारण जो पॉलिसी रहती है वो अमेरिका ने अपनी बदली। सन 2000 का दशक आता है, सन 2001 जो होता है कि एक नया दशक आता है, 1990 या 1900 का जो एक दौर 1000 का चल रहा था ख़त्म होते, 2000 में हम प्रवेश कर जाते हैं, और ये प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव लेकर आता है। यहाँ पर बिल क्लिंटन की यात्रा आती होती है भारत में, लेकिन इससे पहले घटना हो चुकी है। घटना कौन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1998 तो हमने ये कर लिया था, लेकिन 1999 हमने एक युद्ध झेला, युद्ध था भारत और पाक का, कारगिल युद्ध में। यहीं से घटनाक्रम बदलती है, जो ये बिल क्लिंटन की यात्रा आगे चल के होती है, इसका कारण जो ये परमाणु परीक्षण घटना के बाद जो भारत के पक्ष में चीजें निकल के आती हैं वो इस युद्ध के कारण आती हैं। इस युद्ध में ही आपको पता होगा उसी दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय वो लाहौर बस यात्रा के माध्यम से जाते हैं एक शांति समझौता के लिए। लेकिन उसी दौरान जब वो बस यात्रा के थ्रू लाहौर पहुंचते हैं, उसी दौरान पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं वो वहां पर कारगिल पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक तरफ ये यहाँ पर शांति समझौता मित्रता की चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्ध थोप दिया जाता है, युद्ध होता है और भारत यहाँ पर जीत जाता है। जीत बहुत कठिन होती है, लेकिन वहाँ पर भारत फाइनली जीतता है। जीतता इसलिए है, एक तो यहाँ पर भारत अपने स्तर पर जीत तो जाता है, लेकिन पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर दबाव बहुत बनता है, जिसमें यूएसए ने इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था। चाइना पहली बार यहाँ पर उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था इस युद्ध में, ना ही यूएसए ने उसका सपोर्ट किया था, जबकि दो बड़े जो देश थे वो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं इससे पहले तक। लेकिन ये पहला युद्ध था जहां पर ये दोनों ही देश भारत के पक्ष में रहते हैं, पाकिस्तान के बड़े स्तर भर्सना की जाती है, यूएसए दबाव बनाता है इसे छोड़ने को लेकर, और यूएसए के साथ साथ भारत के पक्ष हमेशा कौन था, रशिया, जो आज चलकर रूस बन जाता है, वो भारत के पक्ष में था, किसी तरीके की हेल्प के स्तर पर वो करने को तैयार था। तो यहां पर जो बड़ी शक्तियां थी उस समय की, उसने वहां पर दबाव बनाया था, यूरोपीय संघ भी इसके खिलाफ था, और जब चौतरफा यहां पर दबाव बना, भारत ने यहां पर इनको कोई हेल्प नहीं मिली, भारत ने इसे अपने स्तर पर जीत लिया। और जीतने के पश्चात यहां पर चीजें बदलती हैं, सभी भारत के जो व्यवहार किया गया जिस तरीके से युद्ध के बाद की स्थितियों को लेकर, उससे उसकी जो अंतरराष्ट्रीय छवि थी परमाणु परीक्षण के बाद खराब हुई थी, उसने उसमें बहुत बड़ी कह सकते हैं पॉजिटिव प्लस प्राप्त कर लिया था अंतरराष्ट्रीय स्तर, और ये उसमें एक सबसे बड़ा दौरा। बिल क्लिंटन की भारत यात्रा, इस यात्रा ने भारत और अमेरिका के संबंधों में कह सकते हैं कि जो आज आप वो प्रगाढ़ता देखते हैं उसका ये प्रारंभिक दौर था। इसमें सबसे बड़ी जब उपलब्धि आती है 2004 और 5 का दौर, जॉर्ज बुश आते हैं भारत यात्रा में, और वो यहाँ पर भारत के साथ साइन करते हैं एक संधि आगे चलकर, जिसे आप जानते हैं सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट समझौता।
ये क्यों इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यूएसए के द्वारा बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर समझौता करना ये पहली घटना थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली घटना थी, और वो भी उसके साथ अमेरिका ने किया जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं पिछले दशकों में। उसके साथ यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए भारत और यूएसए का समझौता हो गया, और इसने भारत के लिए सब चीजें खोल के रख दी। क्या अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी ऐसी संधि जिसको आगे चलकर हम पढ़ाएंगे, एमटीसीआर, वॉसेंजर अग्रीमेंट, एमटीसीआर, डब्ल्यू ए डब्ल्यू, तो यहां पर इस तरह की बहुत सारी संधियां जो होती हैं आगे चलकर एनएसजी को लेकर हो गया, इन सभी ग्रुपों में भारत के शामिल होने को ये आपका सिविल न्यूक्लियर समझौते ने रास्ता खोला। आगे चल के भारत के कई सारे देशों के साथ इसी तरीके के सिविल न्यूक्लियर समझौते हुए, जिसमें आप देख सकते हैं इसने तो किया था, फिर उसके बाद फ्रांस आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, सभी देशों ने एक एक करके भारत से समझौता किया। जापान के साथ भारत के संबंध यहाँ पर विकसित होते हैं। यहाँ पर भारत के साथ बहुत कुछ पहली बार होता है। जापान ने पहली बार यूएसए को छोड़कर किसी दूसरे देश के साथ यहाँ पर 2+2 वार्ता के दौर को प्रारंभ किया। एम्फीबियन वहाँ पे समझौते किए, रक्षा समझौते किए। जापान के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जापान अमेरिका को छोड़कर किसी के साथ अपने रक्षा समझौते नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर उसने भारत के साथ अपने रक्षा समझौते किए हैं, और ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत और जापान के जो संबंध हैं वो किस लेवल पे आकर उसे वो देखता है। आज आप देखते हैं जो भारत और जापान की स्थिति में, उसमें मोदी का जो कार्यकाल आता है वो बहुत बड़ा शिफ्ट करता है, और वो सारी चीज़ें फिर हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो जो ये घटनाक्रम थे, इस घटनाक्रम में एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसराइल के साथ जो संबंध थे वो यहाँ पर बदल जाते हैं। इसराइल के साथ आपके संबंध बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, फ़लस्तीन को हम अलग जगह देना शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक महाशक्ति का जो उभार होता है वो यहीं पे है। भारत एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगता है, कहां पर? एशिया में। एशिया में भारत को एक महाशक्ति के दौर पे पहली बार इसे यहां पर 1990 के दौर, जो तीसरा चरण आपका आता है, इसी दौर में देखा जाता है। कारण क्या था? भारत की भौगोलिक स्थिति का होना। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद उसकी आर्थिक स्थितियों में जिस तरीके से बूम की स्थिति होना, और एक चीज़ और, 1998 में एक और घटना हुई थी, 1997, 1998, 1999, तीन साल, इसको हम 1997 से 1999 लिख लें। इस दौरान अगर आपने सुना होगा तो एशियाई कंट्रीज़ में, कुछ देशों में जिसको हम एशियन टाइगर्स भी कहते हैं, कि कंट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक इकोनॉमिकल तौर पर एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, और कुछ देशों की जो इकोनॉमिकल कह सकते हैं स्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आपने वहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही होती है 1998 तक में, लेकिन ये लोग यहाँ पर एक आता है जहाँ पर ये दिवालिया हो जाते हैं, उनके कई सारी कंट्री यहाँ पर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपरफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। लेकिन उसी दौर में एशिया में दो कंट्री जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चीन और भारत। एशिया में सिर्फ ये दो कंट्री बसती हैं उस दौर, इस दशक, इस समय में, जहाँ पर जिनकी इकोनॉमी प्लस में रहती है, +5, +6, +7 का दौर चल रहा होता है। बाकी की सारी जो कंट्री होती हैं वो डूब जाती हैं, बहुत बेकार की स्थिति हो जाती है। उसके बाद भारत की लगातार इकोनॉमिक स्थिति बढ़ती चली गई। 2000 से लेकर 2010 के दशक में भारत की जो कह सकते हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ था वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और उसी का कारण था कि भारत ने अपने आप को आर्थिक तौर पर बहुत सशक्त कर लिया था। सैन्य जो क्षमता थी वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया, और अपनी सैन्य क्षमता को भी पहले से बहुत आगे तक यहाँ पर लेकर आए। भारत और चीन के साथ जो संबंध थे वो भी धीरे धीरे बेहतर हो गए। भारत ने कई 1962 के युद्ध के बाद, भारत और चाइना की कोई सीधी झड़प कभी नहीं हुई थी, और ना ही किसी प्रकार का वहाँ मनमुटाव अगर हुआ भी था, घुसपैठ अगर होती भी थी तो लोग बातचीत के माध्यम से उसे हमेशा सुलझा लेते थे। दोनों के संबंध अच्छे हो गए थे, किसी प्रकार का तनाव की स्थिति उनके बीच नहीं रह जाती है। पड़ोसी देशों के साथ इनके जो संबंध थे वो अच्छे हो जाते हैं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ करके। नेपाल और भूटान में भारत का प्रभुत्व स्थापित हो चुका होता है। बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहते हैं शेख हसीना जी के कार्यकाल में। श्रीलंका में उसका जो हस्तक्षेप था लिट्टे के सफाए के पश्चात, वहाँ पर जो भारत ने उनकी हेल्प की, वहाँ पर उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है। मालदीव के
तख्ता पलट के पश्चात भारत को वहाँ पर बड़े भाई के तौर पर सारी मान्यताएं उनको दी जाती हैं, और इसका विस्तार भारत को देखने को मिलता है आसियान देशों के साथ उसके संबंधों के तौर पर, अमेरिका के साथ उसके संबंध सिविल न्यूक्लियर, और एशिया के तौर पर वहाँ पर उसकी महाशक्ति ने भारत को अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया था। समस्याएं और चिंताएं रहीं, विवाद भी रहे इसमें। विवाद के तौर पर कारगिल का आप युद्ध इसमें देख सकते हैं, CTBT परमाणु परीक्षण को वहां पर उसको नकार देना NPT को लेकर, UNO के जो स्थायी सदस्यता थी वहां पर उसको लेकर लगातार मुहिम चलाना, लेकिन वहां पर उसको सपोर्ट उतना भारत को कभी नहीं मिला। कुछ प्रतिबंध भी उसके बाद लगे, लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरफ रहीं, और यहां पर कुछ चीज़ें थीं जो चुनौतियां थीं। भारतीय विदेश नीति में ये सब उभार की स्थितियाँ थी, लेकिन इसी दौर में भारत के लिए चुनौतियाँ थीं। चुनौतियाँ जो थीं वो सिर्फ भारत के लिए नहीं थीं बल्कि वैश्विक बन चुकी थीं, और इसलिए भी भारत यहाँ पर एक लीडर के तौर पर अपने आप को कुछ चीज़ों को लेकर प्रस्तुत करता था। सबसे पहले आतंकवाद। भारत सबसे ज़्यादा आतंकवाद से इस दौर में प्रभावित हुआ, पाकिस्तान प्रायोजित, जिसको हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद भी कहते हैं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद से भारत प्रभावित रहा। लेकिन इसी दौर में अगर हम देखें तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है। कब हुआ था? 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला जैसे होता है, आतंकवाद को लेकर अचानक से क्या हुआ, वैश्विक स्थिति बदल जाती है। भारत 1990 के दशक से लगातार अलापता रहता है कि आतंकवाद एक समस्या उत्पन्न हो रही है, आतंकवाद पाकिस्तान में प्रायोजित हो रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था। लेकिन कहते हैं कि जब तक किसी ऐसे व्यक्ति पर उसकी चोट ना पड़े जो कि सिस्टम को बदलने के लिए वहां पर ताकत रखता है, तब तक आप सामने वाला कमजोर व्यक्ति चाहे जितना कुछ बोलता रहे, कोई इफेक्ट प्रतिष्ठा शासन प्रणाली पर आपको पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। वही यहां हुआ। भारत लगातार कहता रहा, तब तक किसी को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहां पर USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने दो हमले किए, वहां पर पूरी तरीके से प्रक्रियाएं पूरी बदल गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। आतंकवाद को लेकर यहां पर बहुत बड़े स्तर पर चीजें निकल कर आई, और USA ने इसी के बदले में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और आज तक अगर आप देखें लड़ाई चल ही रही है। ये वही अफगानिस्तान है जिसे USA ने ही आगे चल के वहां पे तालिबान और अलकायदा को खड़ा किया था, वही आज इसके लिए समस्या बन गया। जिसने बीज बोया था, कहते हैं कि अगर आपने बीज बबूल का बोया तो काटोगे क्या, आम थोड़ी ना निकलेंगे, वही निकला, और उसने जाके जब इनके ट्रेड सेंटर में हमला कर दिया तब इनको लगा कि गलती हो गई, तो जिसको इन्होंने उत्पन्न किया उसी को ये जब काटने आए, तो आज हो गए कितने, 2001 से लेकर 2020 तक 19 साल धीरे धीरे हो गए, और आज तक ये क्या कर पाए, आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी समस्या इसी दौर में एक और निकल के आती है, जिसको आप जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत अपने एक कह सकते हैं एक लीडर के रूप में अपने आप को रखने शुरू किया उसने, क्योंकि जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों को, अल्पविकसित देशों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, जो समुद्र द्वीपीय देश थे उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, उनकी क्षमता को प्रभावित कर रहा था, और अपनी इनकी जो सैन कह सकते हैं कि जनसंख्या भारत की धीरे धीरे बढ़ रही थी, जनसंख्या भी उसका बढ़ना भी अपने आप में चुनौती थी, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भारत के समेत खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, ये भी समस्याएं उसके समक्ष आके आंतरिक स्तर पर खड़ी हो गई थी। अब इनको दूर करने के लिए अब खाद्य सुरक्षा को लेकर जहां पर वो WTO में अलग मुद्दे खड़े हो जाते थे, क्योंकि जब वो कृषि को सब्सिडी देता तो विकसित देश वहां पर उसके खिलाफ खड़े हो जाते, वहां पर इनको अलग जूझना पड़ रहा था। गरीबी भुखमरी को लेकर जो भी सूचकांक आ रहे थे वहां पर भारत को लगातार नीचे की ओर स्थिति दिखाई जाती थी। SDI रैंकिंग भारत की कभी यहां पर अच्छी देखने को बहुत अच्छी नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त यहां पे मानवीय कह सकते हैं कि जो तस्करी है या मादक पदार्थों की तस्करी है वो भी यहां पर आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। तो चुनौतियां विदेश नीति के स्तर पर भारत के समक्ष यहां पर कुछ खड़ी रहीं, जिसको लेकर वहां पर कार्य किया जाता है, जिसमें आतंकवाद एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। भारत ने यहाँ पर इसके लिए कुछ कूटनीति अपनाई, जिसमें आतंकवाद को लेकर दो चीज़ें थीं। भारत ने कहा कि इसके आर्थिक वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके लिए एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया, FATF। इस फोर्स का काम था कि जो भी वित्त पोषण का काम था,
जिसके द्वारा भी किया जा रहा था, कैसे भी किया जा रहा था, उसको वहां पर एक सूची बनाना और उनको उस तरीके से प्रतिबंधित करना। पाकिस्तान को भी इसमें किस सूची में डाला गया है? अभी फिलहाल ये ग्रे में है, इसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी से ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। दूसरा, यहां पर आर्थिक वित्त पोषण को ही रोकना और आतंकवाद को लेकर यहां पर एक आतंकवाद रोधी एक्शन टास्क फोर्स भी बनाने की बात की गई है, जिसमें ब्रिक्स में भी बात चल रही है और एससीओ में भी, कि यहाँ पर इस तरीके की काउंटर अटैकिंग जो होती है, एक सिस्टम डेवलप किया जाए जो इस तरह के विरुद्ध आतंकवादी हमले होने पर वहां पर कार्यवाही कर सके। जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस जलवायु समझौते को वहां पर देखें तो भारत ने वहां पर बड़े स्तर पर इसको लीडरशिप के रूप में इसे प्रस्तुत किया है और वहां पर कई सारे मानकों को इसने अप्लाई भी कर चुका है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए वहां पर दो हम दो हमारे दो की पॉलिसी वो लागू करता है। मानव तस्करी, मादक पदार्थों के तस्करों को लेकर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर वहां पर कार्य कर रहा है। ये सारी चीज़ आपको देखने को कब मिलती हैं? दूसरे चरण। तो दूसरा जो चरण था, अगर हम इसको कहें कि कैसा दिखाई देता है, ओवरऑल आप मूल्यांकन करते हैं, तो पहली चीज़, क्या इसमें आदर्शवाद की रूपरेखा बची रह जाती है या अब तक समाप्त हो चुकी है? कुछ? तीसरे चरण में हमने क्या किया, ये सब बदलाव की स्थितियां थी, ठीक है, हम पॉलिसी क्या लेकर आते हैं, ये पॉलिसी है हमारी, पॉलिसी में जो संबंध है वो कैसे करने की कोशिश की जा रही है, ये जो पॉलिसी लेकर आए उसके माध्यम से हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी देश हैं उनके साथ बेहतर सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण मित्रतापूर्वक यहां पर संधि स्थापित करना, समझौते करना, साथ रहना, विकास में सहयोग करना, और ये सब किसके गुण हैं? आदर्शवाद के गुण हैं। व्यवहारिकता कहाँ दिखाई देती है? व्यवहारिकता दिखाई देती है कि जहां पर उसे पता है कि जब उसके दो पड़ोसी देश कैसे हैं, परमाणु शक्ति संपन्न बन चुके हैं, चीन और पाकिस्तान, तो भारत को अभी बनना जरूरी था, तो उसने क्या किया, एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए और परमाणु परीक्षण कर लिया, अपने आप को एक शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, वो अपने आप को व्यवहारिक स्तर पर जो आदर्शवाद की स्थिति को दर्शाता है उसको भी लेकर खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर देखें तो आगे चलकर बदलती परिस्थितियों में उसने यूएसए के साथ अपने संबंधों को विकसित कर लिया, ठीक है, जहां युद्ध की घटना आती है वहां उससे भी वो पीछे नहीं हटता है और अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों पर हमले करते या हमला करता है तो अपने आप की सुरक्षा करता है। यहां फर्स्ट भारत कभी भी युद्ध नहीं करता है, फर्स्ट अगर हम कहें वॉर की स्थिति भारत कभी क्रिएट नहीं करता है। और ये कैसी स्थिति है, आदर्शवाद की स्थिति, कि हमें किसी के साथ कोई यहां पर बैर भाव नहीं रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जब बात आती है कि अगर आप हमारी आंतरिक मामलों में हमारी संप्रभुता का हनन करने की कोशिश करेंगे, हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम जो बन पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ पर वो अपनी रक्षा और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसी है वो बहुत परिवर्तनकारी है, उसने कुछ नवीन और ज्वलंत मुद्दों के एक लीडरशिप के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसमें वो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये तस्करी और समस्याग्रस्त स्थितियाँ हैं इनको यहाँ पर मुखरित करता है और उसको लीडर के रूप में क्या उपाय हो सकते हैं उसको भी वहाँ पर लाने की कोशिश करता है। तो व्यवहारिकता के अनुरूप अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, जो पॉलिसीज के तौर पर कहें तो विस्तार के साथ आदर्शवाद और व्यवहारवाद का समिश्रण को लेते हुए अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने का यहाँ पे काम भारत करता है। जिन देशों के साथ संबंध अच्छे थे उन्हें और भी बेहतर करना, जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की रूपरेखा का प्रारंभ करना और उन्हें आगे की ओर लेकर जाना। तो अगर हम कहें यही सारी चीज़ क्या है, व्यवहारिकता है, कि समय और परिस्थितियां जैसे ही आपकी बदलती हैं आपको भी उसी अनुसार बदल के जो चीज़ आपके लिए बेहतर है उसे आपको वहां पे लागू करना चाहिए और उसे अपनाना भी चाहिए। अब लेकिन एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये तो एक राष्ट्रीय पॉलिसी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होता है, अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो उसे बहुत अच्छे से निभाता है और अगर दोस्ती है तो भी बहुत अच्छे से निभाता है। कभी दोस्तों में भी दुश्मनी हो जाती है तो फिर उसको भी अच्छे से निभाते हैं और कभी दुश्मनों को भी दोस्त बनते देखा है ना, देखा है। तो मनुष्य कैसा है, मनुष्य यही है, मनुष्य क्या है, जब तक उसके लिए फायदे की बात है और जिसके साथ फायदे की बात है तब तक वो उसके साथ खड़ा रहेगा।
और जब वहाँ पर उसका फायदा खत्म हो गया तो वो भी परिस्थितियाँ जैसे देखता है वैसे बदल जाता है। कोई कभी किसी के लिए हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता है। पक्का ना? एक ह्यूमन अपने लिए तो हमेशा ही रहता है, दूसरों के लिए नहीं रहता वो अलग बात है। कि क्या आप अपने भी सगे नहीं होते हैं? आप कभी कोई व्यक्ति अपना नुकसान करता है? करते हैं, कई बार करते हैं, कुछ लोग होते हैं बाई नेचर वो अपना भला दूसरों का भला ज़्यादा सोचते हैं, अपना जितना भी हो जाए। एग्जाम्पल टाइप में अगर हम देखें तो आप अमीरों की सूची जारी होती रहती है ना, फोर्ब्स की जारी होती रहती है, वहाँ पे दिखाते हैं कि बहुत कुछ लोग बहुत अमीर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और कुछ दिखाते हैं कि कुछ देश बहुत गरीब हैं। उन अमीरों के पास इतनी पूंजी है कि कई सारे देशों महादेशों की सारी गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते है कि नहीं? कुछ हैं उनमें से जो अपनी एक अच्छी खासी बड़ी संपत्ति दान कर देते हैं, वो कभी फोर्ब्स की अंतर्राष्ट्रीय टीम 1, 2, 3 टॉप 10 में नहीं आएंगे, लेकिन वो ऐसे कई सारे काम करते हैं जहाँ वो अपना नुकसान भी करके लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य पॉलिसी सारी चीज़ें आपकी अलग अलग दिखाई देती हैं। तो चलिए कुछ की पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसके तीसरे पार्ट के, उसके बाद फिर चौथा पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, जहाँ पर अगर आप गलत हैं वहाँ पर आप और उनका कोई लाभ भी नहीं था। अमेरिका भारत का ऐसा नहीं था, भारत का विरोधी भारत का इसलिए नहीं था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी है वो इसलिए बदलती है क्योंकि वहाँ पर जब उसको फ़ायदा है तब तो आपके साथ खड़ा है, जब उसको फ़ायदा नहीं है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। चाइना का देखिए, चाइना का सिस्टम देखो, एक समय तक चाइना में हर एक देश बड़े स्तर पर निवेश कर रहा था, उसके साथ अच्छे अच्छे संबंध बना रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका उसका विरोधी बना, व्यापार युद्ध की स्थितियां डेवलप हुई, कोविड-19 का इम्पैक्ट आया और वहां पर उसका सारा आरोपण किया गया, भारत के साथ उसका युद्ध हुआ कि एक स्थिति बन गई, सारा विश्व उसके खिलाफ खड़ा हो गया, अचानक से सारा विश्व उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये पॉलिसी है, एक समय जो सारा देश भारत के विरुद्ध खड़े थे आज चाइना के विरुद्ध खड़े हैं, कल फिर हो सकता है वो भारत के खिलाफ खड़े हों, चाइना के साथ हों। तो परिस्थितियां जब जैसी बदलेंगी लोग वहां पर बदल जाते हैं, अपना मुनाफा देखता है हर कोई। और उस समय भी क्या था, चीन का उभार हो रहा था, ठीक है, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ था, यूएसए का वहां पे हस्तक्षेप पहले से काफी कम हो चुका था और उसे चाहिए था नया दोस्त, तो वो कौन बन सकता था? भारत बन सकता था। भारत क्यों? दो तरीके से बन सकता था, एक तो पाकिस्तान को रोकने के लिए, दूसरा उससे भी बड़ा चीन को रोकने के लिए। और अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो दीर्घकालिक थी कि एशिया में अगर कोई चीन को चुनौती इन फ्यूचर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत दे सकता है, और इसलिए वहाँ पर उसकी पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इतनी बड़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो आज आप देखते हैं भारत यहाँ पे चाइना के विरुद्ध जाके खड़ा हो गया है और एशिया में सब उसके पीछे आग खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिछले 20 सालों का परिणाम है कि यूएसए और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को विकसित किया है। आज अमेरिका का पूरा सपोर्ट है भारत के साथ। दूसरा, भारत ने अपनी वैदेशिक नीति में बहुत परिवर्तन किए हैं और अब वो मुखर हो गया है। भारतीय विदेश नीति कभी मुखर नहीं रही है, 1990-2000 के दशक तक भारतीय विदेश नीति की मुखरता की अगर बात करें 2014 के बाद आती है, जहां वो खुलकर बोलना शुरू करता है। और ये जो आप अभी हम पढ़ रहे थे इसमें कि यहाँ पे फर्स्ट वॉर की स्थिति भारत क्रिएट नहीं करता है, 2014 के बाद भारत ऐसा भी करता है। पाकिस्तान पे भारत ने सीधा सीधा सर्जिकल स्ट्राइक की है, म्यांमार में घुस करके भारत ने मारा है, और ये भारत कभी नहीं करता है। तीसरा, चीन और भूटान के मामले में भारत ने वहाँ पे अपनी सेना को भेज करके सीधा सीधा हस्तक्षेप किया था। और चौथा, चाइना के साथ भी उसने यहाँ पर सैनिकों का यहाँ पर 1962 के बाद सीधे यहाँ पर झड़प हुई है। तो ये दिखाता है कि भारत की 2014 के बाद भारत की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो बहुत बदल गई हैं और भारत अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, और ये चीज़ सबको दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें आपके लिए भी एक ह्यूमन, आप एक राष्ट्र के तौर पर आप ह्यूमन बींग अगर हम देखें तो हम भी अपने आप को अच्छा समझते हैं, हाँ एक देश के तौर पर हम सशक्त हुए हैं, हमारे पास जो लीडर है वो बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, गृह नीतियों को लेकर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, वो शायद बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं और सही चीज़ों को सोच कर नहीं बना रहे हैं,
कई सारे मामले हैं जिन पर आलोचना की जाती है, लेकिन वैदेशिक संबंधों में कोई दो राय नहीं कि हाँ हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस आयाम पे लाके खड़ा किया है जिसको शायद हम कह सकते हैं कि इससे पहले शायद नेहरू कर सके थे, और उसके बाद अगर कोई कर सका है तो वो भारत कर सका है, भारत में मोदी सरकार आके कर सकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग डालेगा तृतीय चरण, भारतीय विदेश नीति का तृतीय चरण 1991 से 2014। आर्थिक उदारवाद, हाँ आर्थिक उदारवाद और व्यवहारिकता का समावेश। और व्यवहारिकता का समावेश इसमें लिखिएगा। इस चरण के प्रारंभ में डैश करिएगा, 1 2 3 करके लिखिएगा, यूएसएसआर का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, पूंजीवाद का वर्चस्व, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, पूंजीवाद का वर्चस्व, मांग और पूर्ति आधारित बाजार, का दौर देखा जा सकता है, का प्रारंभ देखा जा सकता है। निश्चित नलिका, भारतीय विदेश में सुधार एवं परिवर्तन, भारतीय विदेश नीति में सुधार एवं परिवर्तन। पहला, एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत आर्थिक नीतियों को सरल बनाया गया, आर्थिक नीतियों को उदार बनाया गया, सरल बनाया गया। निजी क्षेत्रों को अधिक अवसर प्रदान किए गए, और वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया गया, नेक्स्ट, वैदेशिक संबंधों में लुक ईस्ट पॉलिसी लुक वेस्ट पॉलिसी कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया गुजराल सिद्धांत के माध्यम से भारत ने एशिया एवं
एशिया एवं यूरोप, अमेरिका, यूरोप अमेरिका जैसे देशों के साथ, देशों व क्षेत्रों के साथ मजबूत, सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश की, नेक्स्ट विदेश नीति में इजराइल के साथ राजदूत स्तर का संबंध स्थापित करना,1993 में भारत चीन एलएसी शांति समझौता भारतीय विदेश नीति में शांति समझौता भारतीय विदेश नीति में नए आयामों को जोड़ता है, नचलेगा विवाद एवं युद्ध, में भारत के द्वारा पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण, के कारण भारत पर वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इन परमाणु परीक्षणों से भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। साथ ही एशिया में शक्ति को संतुलित करने में भी
शक्ति को संतुलित करने में भी सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट डाले गया नए युग का सूत्रपात। नए युग का सूत्रपात इसमें लिखिएगा, राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा सन 2000 ने भारत और अमेरिका के नए संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद की। ।2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल न्यूक्लियर समझौता इसी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, आगे चलकर भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते किए। नेक्स्ट, आर्थिक तौर पर भारत लगातार आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहा था। जिसके फलस्वरूप सैन्य क्षमता में अभिवृद्धि हुई। और भारत को एशिया में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। डालेगा चुनौतियां।
इसमें लिखिएगा जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्य सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी भूखमरी तथा राष्ट्र की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना नेक्स्ट ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना नेक्स्ट संविधान के ढांचे में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का समाधान करना नेक्स्ट पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना नेक्स्ट हेडिंग डालेगा रणनीतिक रूप से भारत को निरंतर ध्यान देना डैश नीचे पॉइंट करो पहला पॉइंट पाकिस्तान के साथ विवादास्पद संबंधों को कैसे प्रबंधित करें सेकंड शक्तिशाली होते चीन के प्रति भारत कैसे अनुक्रिया करें वैश्विक शक्तियों के साथ एग्जाम्पल में लिख लीजिए जैसे यूएसए भारत के संबंधों की स्थिति कैसी होनी चाहिए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शासनिक प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शासन व्यवस्था के शासन व्यवस्था एवं संरचना को कैसे पुनः आकार दिया जाए जलवायु परिवर्तन आतंकवाद नेक्स्ट पॉइंट
जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जैसी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। लास्ट में उपलब्धियां लिख लीजिए। पॉइंट वाइज लिखिए, आर्थिक विकास, नेक्स्ट परमाणु शक्ति संपन्न देश, नेक्स्ट अमेरिका, जापान, रूस एवं दक्षिण पूर्व एशिया, के साथ बेहतर संबंध, नेक्स्ट चीन के साथ बेहतर संबंधों का प्रबंधन, एवं व्यापार में सुधार, नेक्स्ट वैश्विक व्यवस्था में, पारगमन प्रबंधन, और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुपक्षीय और बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीयता, जैसे ब्रिक्स, नेक्स्ट प्रौद्योगिकी व्यवस्था, में अलगाव की समाप्ति, ठीक है। ये इस चरण के लेकर हमारा सारा प्रोसीजर कंडक्शन हो गया है, तीसरा चरण आपका समाप्त हो गया है। अंतिम चरण बचा है, कल मोदी के कार्यकाल के पश्चात से बदली हुई परिस्थितियों के दौरान इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, और जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी हम कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव ऑफलाइन वालों का हो गया शटडाउन, तो उनको वहाँ पर टॉपिक मैटर नहीं पहुँचेगा, तो क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लें, कोई इशू तो नहीं है। ये कॉपी मैं रख लूँ, चेकआउट कर लेंगे, और कल बता दी आपको नंबरिंग कर दिया जाएंगे कि इस कैसा आपने लिखा हुआ है, और जिसने नहीं लिखा है वो कल लिख लेंगे, ठीक। आज का क्वेश्चन, हाँ लिखना है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए विरोध के कारण क्या है, किसी के वैचारिक स्तर पर एक दूसरे का सहयोग ना करना, जो भारत चाहता है वैसा चीन नहीं चाहता है, ऐसे सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं होगा जहां भारत ने चीन ने यहां पर यह स्थिति उत्पन्न की है। सीमा विवाद तो रहा ही है, आज का नहीं है, पहले से है। इस समय स्थिति दो कारण से है। यूएनओ में जब भी भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कोई मामला लेकर जाता है, जैसे हाफिज सईद को लेकर है और उनके किसी टेररिस्ट ग्रुप को है या संगठन को है, जब वो उसके टेररिस्ट लिस्ट में डलवाना चाहते हैं,
प्रतिबंधित कराना चाहते हैं तो चीन उसका विरोध करता है। तो वहाँ पर आपको स्पष्ट है, आपके यहाँ अगर आतंकवादी हमला होता है तो आप एक तरफ कैसा रवैया अपना के रखते हैं कि आप उनको प्रतिबंधित कर देते हैं, कोई न्यूज़ सा बाहर नहीं आती है, लेकिन वही अगर मुद्दा भारत के साथ हो रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, आप पाकिस्तान का वहाँ पर साथ देते हैं। वैश्विक स्तर पर सब जानते हैं कि यह पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन आप उसका साथ दे रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर है कि आप भारत के साथ नहीं खड़े हैं, जबकि सब स्पष्ट है कि पाकिस्तान गलत है। तो पॉलिसीज कहाँ पर हैं आपको स्पष्ट आपकी दिखाई देती हैं, आतंकवाद को लेकर आप एक साथ नहीं हैं। दूसरा, सीमा विवाद आपको लेकर वहाँ पर आप साथ नहीं हैं। तिब्बत के मुद्दे को लेकर आप एक दोनों के साथ नहीं हैं, दोनों के अपने अलग अलग रवैये वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा ओबी और पॉलिसी को लेकर दोनों का मतभेद है, चाइना कुछ कहता है, भारत कुछ कहता है। इसके अलावा वैदेशिक नीति में दोनों के डिफरेंसेस हैं, वो हार्ड पावर पॉलिसी का यूज़ करते हैं, भारत सॉफ्ट पावर पॉलिसी का यूज़ करता है। तो डिफरेंसेस बहुत स्तर पे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर आप बात करें तो भारत और चीन के मध्य का जो व्यापार है वो चाइना के पक्ष में है। चाइना सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के व्यापारिक संदर्भों को ज़्यादा बढ़ावा देता है जहाँ चीन को फ़ायदा है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादों को लेकर। लेकिन जब बात आती है सेवा सेक्टर को ओपन करने के लिए, जो कि भारत का मजबूत पक्ष है, तो चाइना वहाँ पर अलाउ नहीं करता है। तो कई सारे मतभेद हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो अभी तो ये तो आपको दिख रहा है, ये सबको दिखने लगा कि भारत चीन के मतभेद की स्थिति है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जो दोनों संबंधों को देख रहे हैं उनको कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत और चीन के मध्य विवादित स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। वो ऐसा पहली बार नहीं है। हम जब भारत और चीन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको बताऊँगा, बहुत सारे विवादित स्थितियाँ दिखाऊँगा जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। ना सिर्फ यहाँ पर दोनों पक्षों को लेकर हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी हैं, और इसी कारण से जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंस हैं, दोनों के बीच मतभेद हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हैं। कुछ पक्ष हैं जहाँ पर सहयोग भी है। सहयोग के कौन से मुद्दे हैं वो भी आएगा, जब भारत चाइना पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात, आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति में व्यवहारिकता का भी समावेश परिलक्षित होता है। फुल स्टॉप। भारत की विदेश नीति के तीसरे चरण में, भारतीय विदेश नीति के तीसरे चरण में एशिया की महाशक्ति के उभार के तौर पर, एशिया के महाशक्ति के उभार के तौर पर भारत के विभिन्न पक्षों का, भारत के विभिन्न पक्षों का भारत के विभिन्न पक्षों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। दो सौ शब्द में या 250 शब्द में इस क्वेश्चन को आप लिखिए, सॉरी वर्ड में।